तरह होता है, और जिस तरह सनफ्लावर को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी तरह इस फ्लावर को भी, इस प्लांट्स को भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो प्लांट्स है दोस्तों, ये देखिए गजानिया। गजानिया एक विंटर सीजन का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये फुली सनलाइट में होने वाला प्लांट है, मतलब विंटर सीजन के सनलाइट में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और देखिए बिल्कुल सनफ्लावर की तरह होता है ये फ्लावर, और जितना इसे धूप चाहिए उतना ही ये खिल के आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आज इसी की केयर के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए ये गजानिया का प्लांट है, और इसे आप पॉट्स में भी लगा सकते हैं, और इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है, और ये जब प्लांट खिलता है तो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो मैंने ये देखिए 3-4 प्लांट मेरे पास जो पॉट्स में भी लगाए हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगाए हैं, और सभी में कितने अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जिसको बहुत ही लो मेंटेनेंस चाहिए, इसे कोई ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मिट्टी बनाने समय ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाती है, लेकिन फ्लावर खिलते हैं, थोड़े से अगर खाद वगैरह भी डाल दीजिएगा तो उसमें बहुत अच्छे खिलते हैं, बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने जब ये मिट्टी बनाई थी तो उसी मिट्टी में ही मैंने ये खाद ऐड कर दिया था, फर्टिलाइज़र ऐड किया था। उसके बाद से शायद जब सभी गमलों में कभी कभी फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ तो इसमें भी कर देती हूँ, लेकिन इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बार खाद आप मिट्टी में मिला के बना दीजिए, उससे भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है। और इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जैसे सिंपल मिट्टी में भी अगर लग जाती है फ्लावर करने लगता है, और अगर सैंडी मिट्टी हो तो भी ये फ्लावर करता है। तो मिट्टी तो मैं सीजनल प्लांट की जो मिट्टी बनाती हूँ वैसे ही इसकी भी मिट्टी बनाई हूँ, तो अच्छे से चल रहा है। और इसकी वाटरिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए तब हम इसमें वाटरिंग करेंगे, अगर ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट गल जाएगा और इसमें कीड़े भी लगने लगते हैं। तो इसको जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, देखिए मैंने इसमें कल पानी दिया था तो मॉइस्चर मिट्टी है, तो जब मॉइस्चर मिट्टी रहे तब थोड़ी पानी डाल दीजिए, या मिट्टी पूरी सूख जाए तब भी इसमें पानी डाल दीजिएगा तो भी ये बहुत अच्छे से चलता है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए तभी हम पानी डालें। तो मैंने सभी में कल पानी डाला है, तो देखिए सभी मिट्टी इसकी मॉइस्चर है। और दोस्तों इसको देखिए, इसमें मिली बग्स वगैरह कीड़े बहुत, फंगस बहुत जल्दी लगते हैं। देखिए इस फ्लावर में फंगस लगे हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों कभी कभी इसमें हम नीम ऑयल का भी छिड़काव कर देंगे। कभी कभी आप इसमें जब मिट्टी हम तैयार करें तो उसमें आप नीम की खली या फंगिसाइड जरूर डालें, ऐड करें। तो मैं तो अभी अपने जितने भी मिट्टी बनाती हूँ विंटर सीजन की, उसमें सभी में मैं नीम की खली डालती हूँ ताकि हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे, फंगस ना लगे। अगर फिर भी लग जाती है दोस्तों तो इसमें आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, पेस्टिसाइड नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या जो ये स्प्रे होती है सर्फ वगैरह की, जो हम नमक मिर्ची और लहसुन की पेस्ट जो बनाते हैं उससे भी आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं, तो ये इसकी जो कीड़े लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों देखिए इसके बीज यहाँ तैयार होते हैं, देखिए ये बीज इसको जब सूख जाते हैं तभी इसको बीज तैयार होते हैं। तो अभी हम बीज नहीं चाहिए हमें, तो इसको हम हटा देंगे। जितने हटाएंगे दोस्तों देखिए उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग शुरू होगा। ये सब जितने भी हैं उसको हटा देंगे तो इसमें और ज़्यादा बर्ड्स बनेंगे। और ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जितने आप कटिंग कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होता है। देखिए हर जगह इसमें फ्लावरिंग मतलब कलियाँ बनी रहती है। और ये प्लांट ऐसा है दोस्तों, ये जब एक बार आप एक प्लांट एक ही गमले में ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा जैसे एक प्लांट एक गमले में दो प्लांट ना ऐड कीजिए, नहीं तो ये पूरा भर जाता है। देखिए मैंने एक ही प्लांट इसमें ऐड किया है और ये पूरा भर गया है, गमला चारों तरफ भर गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक गमले में एक ही प्लांट लगाएं हम, और एक ही प्लांट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें बहुत मात्रा में फ्लावरिंग करता है। देखिए कितने सारे इसमें बर्ड्स बन रहे हैं, सभी मेरे जितने भी फ्लावर हैं गजानिया को वो सभी ढक गए हैं एक गमले में। तो बहुत ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे गमले भी नहीं। आप देखिए हैंगिंग बास्केट में ये 5-6 इंच का है, इसमें भी लगा सकते हैं, और ये 7-8 इंच का ये पॉट्स है,
तो सभी मेरे 8 इंच के पॉट हैं उसमें मैंने लगाया है। और कभी कभी इसमें दोस्तों आप महीने में एक बार खाद डालें या ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसमें खाद नहीं भी डालेंगे, हाँ मिट्टी में ज़रूर खाद बनाइए तो ये बहुत अच्छे से आपको चलता है। ये मार्च अप्रैल मई तक इसमें बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है दोस्तों। और ये आप चाहे तो इसे ठंडक जगह पर रख के इसे सालों भर सजो सकते हैं। और दोस्तों इसके जो फ्लावर हैं वो हमेशा जो फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाते हैं वो हमेशा पिंचिंग करते रहिए ताकि जो हमारा प्लांट है और घना हो जाए। और देखिए इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो आप उसे भी लगा सकते हैं। और ऐसे भी मैं तो नहीं लगाती हूँ, इसे घना होने देती हूँ तो ये मेरा प्लांट बहुत घना हो जाता है इस तरह से। तो आप अपने गार्डन में ये प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। देखिए और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, देखिए येलो कलर के हैं, ये कितने खूबसूरत शेड में है और ये पूरा गमला भरा हुआ है। तो दोस्तों आप अपने गार्डन में ये प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों।